फिर शादी मुबारक में प्रीति ने एक्सेप्ट कर लिया है तरुण का चैलेंज कि 28 दिनों में वो अपने आप को बिजनेस वुमेन साबित करके रहेगी। और हम सभी जानते हैं कि प्रीति ये कर गुजरेगी, लेकिन रति की घटिया चालें, उसका घटिया दिमाग, उसकी घटिया साजिशें प्रीति के इस काम में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सब लोग मना करते हैं कि 28 दिन में बिजनेस नहीं खड़ा हो सकता, कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ये चैलेंज लेने को मना करते हैं, लेकिन प्रीति सबके सामने चैलेंज तरुण का एक्सेप्ट कर लेती है और ये वो दिखाना चाहती है कि वो एक बेहतरीन माँ के साथ साथ एक बेहतरीन बिजनेस वुमेन भी है। आप देखेंगे केटी और प्रीति को अपना पहला असाइनमेंट मिलेगा शादी का, और प्रीति यहाँ फूक फूक के कदम रखना चाहती है। वो केटी को समझाती है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, हमें छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ को ध्यान देना है। वहीं उधर दूसरी तरफ रति अपने घटिया दिमाग की चाले चल रही है। वो यहाँ तरुण को समझाती है कि तुम प्रियंका से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाओ। प्रियंका कौन है हम आपको बताते हैं। प्रीति अपनी बेटी के घर में रह रही है जिसकी सास है कुसुम जी। कुसुम जी की 3 बेटियाँ हैं और बड़ी बेटी है प्रियंका, जो काफ़ी पहले तरुण को पसंद करती थी, उसे बहुत लाइक करती थी, उससे प्यार करती थी, पर तरुण ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात का फ़ायदा उठाएगी रति। रति यहाँ तरुण को कहती है कि तुम प्रियंका से नज़दीकियाँ बढ़ाओ, उसे सॉरी बोलो, उसे दोस्ती तक कर लो। ये करने से फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी माँ क्या क्या तैयारियां कर रही हैं अपने बिजनेस के लिए, क्या क्या स्टेप चलने वाली हैं, वो सारी खबर हमें मिलती रहेगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तरुण प्रियंका से माफ़ी मांगेगा, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है प्रियंका प्रीति के सारी तैयारियों का ब्यौरा रति तक पहुँचा दे। इससे प्रीति के बिजनेस को बहुत बड़ा घाटा लग सकता है। क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।